हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ईद का टाइम पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कल, और जो थोड़ा सा टाइम मिला था उसमें मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, सो इसीलिए मैं टाइम नहीं निकल पाई, इसलिए आप लोग को मेरा व्लॉग नहीं मिल पाया। तो प्लीज़ माइंड मत करना, हो जाता है कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये मेरी बेटी है बाबू, हेलो करो। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाय। नहीं बोल रही है, नर्वस हो रही है ये भी। परसों मैं वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत नर्वस हो गई थी, तो अच्छे नहीं बन पाई थी, पर ऊपर वाले का कलम है कि आज इतनी नर्वसनेस नहीं है, बहुत अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ मैं आज। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक रखना चाहती हूँ। टॉपिक है कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए लव मैरिज अच्छी है या फिर अरेंज मैरिज करना ज़्यादा अच्छा है। यही आज मैं टॉपिक रखना चाहती हूँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर। मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई से भी मैरिज नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं रहती। और ऐसे में लव मैरिज में थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत होती है, और अरेंज मैरिज में इतनी दिक्कत नहीं होती, फिर भी अच्छा रहता है। अरेंज मैरिज में एक बात बहुत अच्छी होती है कि लड़की और लड़के दोनों की फैमिली अच्छे से मतलब खुश होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती, दोनों साइड से दोनों फैमिली हैप्पी होती हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और लव मैरिज में क्या होता है ना कि या तो लड़के की फैमिली नाराज़ हो जाती है या फिर लड़की की फैमिली नाराज़ हो जाती है, पर मेरे मानने में ऐसा है कि ज़्यादातर लड़की की फैमिली ही नाराज़ हो जाती है, कभी हो जाता है ऐसा। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कास्ट अलग होती है, लड़की की कास्ट अलग होती है और लड़की की कास्ट अलग होती है, तो ये भी ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोग के बीच। कास्ट की दिक्कत हो जाती है, पर जब भी किसी के साथ लव होता है तो कास्ट नहीं देखता है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरी जो लव मैरिज है, मेरी जो शादी हुई है, हम लोग की भी कास्ट अलग है, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निभा रहे हैं हम दोनों। और आप लोग की दुआ रही तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। ससुराल वाले भी अच्छे हैं, पर मेरे थोड़े मायके वाले की तरफ से थोड़ा परेशानी है, पर इंशाल्लाह वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वक्त देखिए, बड़े से बड़े जख्म का मरहम होता है, तो वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे फैमिली वाले भी थोड़ा आज नहीं तो कल, पर कभी 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 ना कभी समझेंगे, एक उम्मीद है मुझको, और इंशाल्लाह वो उम्मीद पूरी होगी। मुझे मेरा मानना है कि इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी जो अच्छा नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा, पर वैसे अच्छा ही है। और अरेंज मैरिज में थोड़ा अलग होता है, अरेंज मैरिज में सब हैप्पी रहते हैं तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, पर ये होता है कि पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है अरेंज मैरिज में कि लड़के की मर्ज़ी नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की की मर्ज़ी नहीं होती, पर करना पड़ता है अरेंज मैरिज में, क्योंकि जो मम्मी पापा बोलेंगे वही होता है। सो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अगर लव मैरिज किए हैं तो कैसे किए हैं, कितनी प्रॉब्लम आई है, कितना डिफ़िकल्ट था। मेरी जो मैरिज हुई है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, पर हमारे सपोर्ट में जो हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें तरक्की अता फरमाए, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट में तो सभी लोग थे, पर जो ज़्यादा हैं वही हम लोग के साथ थे, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। जो ऊपर वाला उनके हक में जो करेगा बेहतर ही करेगा, और जैसे हो जाता है सबके साथ के कोई ना कोई खिलाफ हो ही जाता है, सो हम लोग के साथ भी वैसा सबके साथ होता है, कोई ना कोई खिलाफ हो जाता है, पर डे बाय डे हालात बदलते जाते हैं, यू नो। सो वैसा ही है,
अभी थोड़ा अलग है पर आएगा जाके सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो आज का मेरा लोग इसी टॉपिक पे है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के लिए लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है, और लव मैरिज अच्छा है तो किस लिए अच्छा है। और लव मैरिज में एक प्रॉब्लम और होती है मेरे मानने में कि लड़का और लड़की को ये आगे जाने के बाद ये लगने लगता है कि हम लोग अपने पार्टनर्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर हमको ऐसा लगता है कि अपना जो पार्टनर है वो चेंज हो गया है, यानी कि पहले से बदल गया है। पर वैसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जिम्मेदारी के ऊपर होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती है जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए एक दूसरे को लगने लगता है कि अपना जो पार्टनर है वो पहले से चेंज हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता है कि कुछ काम नहीं होता, और लड़की को भी मम्मी पापा के घर तो ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं रहता। सो इसीलिए लड़की भी मस्त आराम से बात करती है और शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड को पूरा पूरा टाइम देती है, पर शादी के बाद वैसा नहीं होता। ससुराल रहती है और ससुराल के बहुत से काम रहते हैं, अपने में बहुत से काम रहते हैं, हस्बैंड का काम रहता है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण हबी को भी ऐसा लगता है कि ये पहले से बिजी हो गई है। तो समझने वाली बात होती है, बहुत से लोग समझते हैं और बहुत से लोग नहीं समझ पाते। समझ वो नहीं पाते जिनको ये उम्मीद रहती है कि शादी के बाद हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे अब हैं, पर देखिए शादी से पहले और शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सो उसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शादी से पहले और शादी के बाद, जो लोग मैरिड हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। और फिर क्या होता है, पहले ससुराल में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद 2 से 3 हो जाते हैं तो और ज़्यादा सिचुएशन मतलब कंट्रोल में नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे के साथ फैमिली के साथ दोनों को पूरा टाइम देना होता है तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। तो फिर थोड़ा झगड़ा, थोड़ी नोकझोंक वैसे हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और लव मैरिज में कैसा है कि कभी कभी पुलिस केस हो जाता है, कभी कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और किसी किसी का कैसे हो जाता है कि लव मैरिज है, घर वालों को बता दी और दोनों घर वाले दोनों फैमिलीज हैप्पी हो जा राज़ी हो जाती हैं कि जैसे बच्चे की खुशी है वैसे हमारी खुशी है। पर किसी किसी में कैसे होता है कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग अपर कास्ट से हैं, हम लोग के घर ऐसे नहीं होता, हम लोग के घर लड़कियाँ वैसे शादी नहीं कर सकती। मतलब बहुत से होते हैं ना, जैसे मेरा मायका है, मेरा मायके में मेरे जो फादर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और हम लोग के इधर लड़कियाँ इस तरह से बात भी नहीं करती। और जिस तरह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे ससुराल में कोई भी वैसे नहीं है, हर मोमेंट पर मुझे सपोर्ट किया है, अच्छे में या फिर मेरी कोई बुरी बात होती है या फिर मैं कुछ गलत कर रही होती हूँ तो वो लोग मुझे समझाते हैं। और मतलब कोई वैसे नहीं है कि बखेड़ा हो जाता है, वैसे नहीं है। और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि खाली हस्बैंड ही सपोर्ट में रहता है, बाकी कोई सपोर्ट में नहीं रहता है, पर अपने साथ वैसा नहीं है। मतलब हस्बैंड भी मेरे सपोर्ट में है और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। सो इसीलिए मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच पाई हूँ। पर अगर किसी एक या तो ससुराल वाले की तरफ से या फिर हस्बैंड की तरफ से थोड़ी रोक टोक होती तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। और ऊपर वाले का कलम है कि मेरा जो हस्बैंड है हर मोमेंट पर मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पढ़ाई से लेके मेरे हर काम में वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी, पर उन्होंने मेरी जो एजुकेशन है उसको वो वापस से स्टार्ट कराया। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, और बहुत कुछ मतलब जो भी मेरा टैलेंट है उस फील्ड में अपना करियर बना सकती हूँ, बना वो ऐसा चाहते हैं। तो इसीलिए देखिए जो हस्बैंड की खुशी है वही मेरी खुशी है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि अगर उनको अच्छा लगता है मेरा आगे बढ़ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। सो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो उनको अच्छा लगता है मैं वैसा करूँ। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो कभी कभी समझ नहीं आता कि किस टॉपिक पर बात करूँ, क्योंकि मेरी डेली रूटीन ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मेरा व्लॉग ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरी रूटीन ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी डेली रूटीन देखिए उसके ज़्यादा चल पाती है जिसके पास बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं, हस्बैंड साथ में होता है या फिर
बच्चे होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, तो उनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं अपना फुल डे रूटीन, कि अभी हम लोग उनके साथ उधर जा रहे हैं, या फिर अपने सासू माँ के साथ ये अलग काम करने वाले हैं, या फिर किचन में होते हैं तो अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। पर मेरा क्या है कि मेरा सभी काम सुबह में हो जाता है, सुबह भी नहीं दोपहर हो जाते हैं, 11 तक हो जाते हैं, और जब तक मेरा काम पूरा फिनिश नहीं होता तब तक मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता। खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तक जब टोटल काम हो जाता है तभी मैं मोबाइल लेकर बैठती हूँ, क्योंकि फिर मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता, और फिर मैं अपना आराम से पूरा फोकस व्लॉग बनाने पे लगा सकती हूँ। सो इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, और फिर आप लोग तो जानते हैं कि व्लॉग बनाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम जाता है, तो पहले वीडियोस बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, और आप लोग जानते हैं कि एडिटिंग में कितना वक्त लगता है। देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और सॉरी बीच में उसको जाना पड़ गया, तो मैं बोल रही थी कि देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो फिर वो पूरी वेस्ट ही चली जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि नरगिस आप ये कमी कर रही हैं ब्लॉग में, या फिर आपके ब्लॉग बोलने में कुछ थोड़ा अलग से बोलना चाहिए, या फिर कुछ भी, मतलब अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी, और मेरी जो कमी है उसे मतलब मेरी जो कमी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ या फिर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है, देखिए सबसे होती है मिस्टेक, मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ कि एकदम परफेक्ट ही ब्लॉग बना पाऊँगी या फिर बना रही हूँ, वैसे नहीं है, हर बंदे से मिस्टेक हो जाती है, सो मुझसे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई मिस्टेक होएगी तो आप लोग मुझको ज़रूर बताएंगे, और मेरे वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ मेरे वीडियोस पे कमेंट भी कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, वैसे भी हम लोग देखिए यूट्यूब वाले हैं, और यूट्यूब भी अपनी पूरी फैमिली है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए मैं भी एक हिस्सा बनना चाहती हूँ यूट्यूब का, सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सबको आगे बढ़ने का हक होता है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और मुझे बताइए कि किस आगे जाके मैं किस टॉपिक पे अच्छा व्लॉग बना सकती हूँ। फिलहाल तो अभी मेरा पूरा फोकस, फिलहाल आप मुझे ये बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आपके लिए, मतलब आपके लिए लव मैरिज अच्छा है या फिर अरेंज मैरिज अच्छा है, और दोनों में से कुछ भी अगर अच्छा है तो उसका मुझे एक रीज़न दीजिए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में से एक किस लिए अच्छा है, क्या एक रीज़न दीजिए मुझे, फिर मैं आपके साथ अपना पूरा मेरी जो लव मैरिज है उसको शेयर करूँगी, और फिर बताऊँगी या आपको लगता है कि लव मैरिज करना ज़्यादा आसान है या फिर अरेंज मैरिज में आसानी होती है, वो भी मुझे बताइए। वैसे आई एम श्योर कि लव मैरिज आसान नहीं होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो मैं जानती हूँ, हमने भी थोड़े पापड़ बेले हैं थोड़े से, इसीलिए मुझे पता है। तो आप लोग बताइए कि क्या ज़्यादा अच्छा है, लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है, और वैसे मैं ज़्यादा अपर क्लास फैमिली से नहीं हूँ, सो इसीलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आगे जाके बहुत मेहनत करूँगी, मेहनत अभी भी करती हूँ पर अभी कैसा है मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ ब्लॉगिंग को, पर आगे जाके पूरा टाइम दूंगी, क्योंकि अभी देखिए मेरी बच्ची छोटी है तो उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, और रात को हबी घर आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, और बाकी भी घर का देखिए बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम होता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है, और बहुत सारा काम होता है, और घर का पूरा
घर की मैं पूरी सफाई करेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाता है, तो इसीलिए मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। पर मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल रही हूँ, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूँगी, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे कि मेरा सपना है, मैं बहुत कुछ उम्मीदें लेकर इस फील्ड में आई हूँ। व्लॉगिंग मैंने बहुत सोच समझ के चुना है, वैसे मैं कुछ और भी कर सकती थी, बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग यूट्यूब पे अगर आते हैं तो, पर मेरा जो पूरा फोकस है मेरा शुरू से ही, मैं अगर यूट्यूब पर मैं कुछ देखती भी हूँ इंटरनेट पर तो ज़्यादातर वो व्लॉगिंग ही होता है, सो मुझे वही ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए मैं व्लॉग की फील्ड में आई हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉगिंग में आगे बढ़ूँ, इसीलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और आगे जाके भी व्लॉगिंग ही करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी इंशाल्लाह, पूरी मेहनत करूँगी इस फील्ड में आने के लिए। देखिए अभी आए हैं तो पूरे मेहनत से पूरे लगन से करना चाहिए, और इसीलिए ना मेरा पूरा फोकस सभी चीज़ से हट गया है एकदम अचानक ही, क्योंकि जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो मेरा पूरा फोकस बस क्या सोचती हूँ उठने के बाद कि जल्दी जल्दी पूरा काम करके ना व्लॉग बनाऊँ, वैसे ही तो मेरा पूरा फोकस ना इस टाइम व्लॉगिंग पर है, और मैं बस यही सोचती हूँ उठने के बाद से कि जल्दी जल्दी सभी काम हो जाएगा ना तो मैं मोबाइल लेके व्लॉग बनाऊँगी। तो मेरा पूरा फोकस अभी व्लॉगिंग पर ही है और इंशाल्लाह बहुत मेहनत करूँगी मैं व्लॉगिंग में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि बैड कमेंट मत कीजिए, अगर कुछ कमी है मेरे व्लॉग में तो आप लोग मुझे प्यार से मोहब्बत से जैसे भी हो समझा सकते हैं कि नरगिस आप ऐसे नहीं वैसे करो, तो अगर आप अच्छा मुझे सजेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपका सजेशन मानूंगी इंशाल्लाह, और अपना व्लॉग बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, और बाकी बात हम कल करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी लव मैरिज है तो मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने बहुत पापड़ बेले हैं तो थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा पर है, सो मैं आपको कुछ सजेस्ट भी कर सकती हूँ थोड़ा सा। सो आप लोग मुझे बताइए कि आपको अगर किसी भी बारे में हेल्प चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए या फिर बॉयफ्रेंड को बनाने के लिए या फिर किसी बारे में पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई एम श्योर मैं उसका हल आपको दूंगी और इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल भी होगा इंशाल्लाह, मेरा मानना है, क्योंकि अभी तक मेरी लव मैरिज है तो मैं जानती हूँ कि पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा समझ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँ अभी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके साथ पूरा आपको सपोर्ट करूँगी, आपको बताऊँगी कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सो आप लोग प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही वॉच करते रहिए, ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ 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 फ्रेंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरा व्लॉग शेयर कीजिए प्लीज़। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फ्रेंड्स कल मिलते हैं व्लॉग, ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती अभी मैं व्लॉग, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा समय नहीं है और एडिटिंग भी करनी है और मेरी छोटी बच्ची है उसको भी टाइम चाहिए, वो भी अभी इधर उधर खेल रही है तो मैं इधर आराम से बैठ के बना रही हूँ, पर आराम से भी नहीं, बीच में ना मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिल गए, तब तक के लिए बाय बाय।